हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंकु एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैट्रिक बोल्ट होता है उसका क्या मतलब है। जैसे दोस्तों, आप लोग बहुत सारे जगह पर देखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा है कि M20 × 2.5 × 100 इसके क्या मतलब है, या कहीं कहीं लिखा रहता है कि M20 × 100 तो इसका क्या मतलब है। देखिएगा दोस्तों, इंडस्ट्री में अगर आप कहीं से बोल्ट अगर मंगाना रहता है तो इस तरह का आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कैसे जानोगे कि ये जो लिखा हुआ इसका क्या मतलब है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा, तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो M20 × 2.5 × 100 लिखा हुआ है या M20 × 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जैसे M20 है तो वो बता रहा है कि एम मतलब मेट्रिक साइज का कोई बोल्ट होगा जिसका पीच MM में आएगा, और ये जो 20 है 20 बोल्ट का साइज को बताता है, मीन्स बोल्ट का जो डायमीटर होता है, डाया होता है, उसको बताता है। अगर 2.5 लिखा हुआ है तो दोस्तों 2.5 उस बोल्ट का पीच बताता है। जैसे यहाँ पे 2.5 लिखा, मतलब ये 20 का जो बोल्ट है, 20 mm डायमीटर का, इसका पीच 2.5 mm है। और पीछे जैसे 100 लिखा हुआ है, 100, तो ये 100 उस बोल्ट का लेंथ को बता रहा दोस्तों। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो कभी कभी हम लोग धोखा खा जाते हैं कि ये 20 का जो बोल्ट है इसमें 100 का क्या मतलब है, और ये 100 का जो लेंथ हम लोग जान गए अभी कि ये 20 mm का बोल्ट में 100 का लेंथ बोल रहा है, इसके जगह पर कोई गलत बोल्ट आदमी ले आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दिया? अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगा। धन्यवाद।